ये गीला कचरा सबसे ज़्यादा निर्माण कहाँ से होता है? तो जिसको बल्क जनरेशन कहते हैं, यानी कि आपके 5-स्टार होटल्स हो गए, मैरिज हॉल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स है, हमने देखा कि 50% से ज्यादा गीला कचरा जो है इन जगहों से निर्माण होता है। हम इसको सिर्फ कमर्शियल स्केल के प्लांट्स में हैंडल करना चाहते हैं। वैज्ञानिक तरीके से वेस्ट का प्रोसेसिंग होता है, उसमें से इतने बढ़िया क्वालिटी का गैस निकल सकता है और ये गैस बाजार में उपयोगी प्रोडक्ट के तौर पर वापस आते हैं। तो नूरियल जी, आपका प्रस्ताव क्या है? ये करने के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से ट्रांसपोर्टेशन या टिपिंग फी, इसके सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है। तो आप टिपिंग फी नहीं लेंगे? टिपिंग फी हम लेते ही नहीं है। गवर्नमेंट को हमको या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को यही हमारा प्रस्ताव है कि हमको टिपिंग फी ही नहीं चाहिए। आपको सिर्फ कचरा चाहिए? हमको सिर्फ कचरा चाहिए। तो ये कचरा आप कहने के मैं ले लूंगा? जी बिल्कुल। और मैं इस पे बिजनेस करूंगा? जी बिल्कुल। और इसमें मैं पैसे कमाऊंगा? जी बिल्कुल। तो आप म्युनिसिपैलिटीज को भी कुछ वापस दे सकते हैं इसमें से? बिल्कुल, कोई मॉडल ऐसे भी हमने प्रपोज किए हुए हैं जिसमें हम म्युनिसिपैलिटी के साथ पैसा या रेवेन्यू भी शेयर कर सकते हैं। म्युनिसिपैलिटी का खर्चा भी कम हो जाएगा? जी, जो मतलब हमारा ही खर्चा है, और उसमें आप गैस बना के दे देंगे सब लोगों को? जी बिल्कुल। तो फिर दिक्कत क्या, ऐसा हो क्यों नहीं रहा? आज कॉरपोरेशन ये बोलती है कि हमारे पास कचरा ही नहीं है, है? क्योंकि जितना कचरा आज एक सिटी में निर्माण होता है, हाँ, उस कचरे का हम कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं, वो किसी को दे चुके हैं, किसी को दे चुके हैं, तो वो नहीं दे रहे आपको? जी। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसे शहर की कहानी दिखाता हूँ जिसने 7 दिन में अपनी काया पलट दी। अक्टूबर 2012 में आंध्र प्रदेश के वरंगल शहर में हुई एक प्रतियोगिता, डांस की नहीं, गाने की नहीं, खेल की भी नहीं, ये प्रतियोगिता थी कचरे से छुटकारा पाने की, क्लीन सिटी चैंपियनशिप यानी स्वच्छ शहर प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता की बागडोर संभाली युवा आईएएस ऑफिसर श्री विवेक यादव ने, जो वरंगल के म्युनिसिपल कमिश्नर थे। अलग अलग टीम्स ने अपने अपने इलाके की सफाई की जिम्मेदारी उठाई, सारे शहर को इस अभियान से जोड़ा गया। स्कूल के बच्चों के लिए एक कॉन्टेस्ट रखा गया जिसमें गीले और सूखे कचरे को अलग अलग किए जाने पर इनाम दिया जाना था। तो बच्चे इतने एक्साइटेड थे, ऑपरेटर देते समय कहते थे कि इसकी वजह से मुझे सेग्रीगेटेड वेस्ट देना पड़ रहा है। साथ ही विवेक जी ने कचरे की व्यवस्था को पूरी तरह से कंप्यूटराइज भी कर दिया। कचरा कहाँ पड़ा है, उसे किस वक्त कैसे उठाया जा रहा है, कैसे उसका निदान हो रहा है, इसे रियल टाइम में मॉनिटर किया जा सकता है। एक एक ग्राम कचरा मापा जाता है, उसे ठीक तरह से रिसाइकल, कंपोस्ट या बायोगैस के काम में लाया जाता है। इससे म्युनिसिपैलिटी की आमदनी भी बढ़ी है। प्रशासन की इच्छा, सफाई कर्मियों की मेहनत और जनता के सहयोग से वरंगल आज शायद देश का एकमात्र ऐसा शहर है जहां ना सड़कों पर कूड़ा है और ना कूड़ेदान। आंध्र प्रदेश की अनेक म्युनिसिपैलिटियों में हो रहे इन बेहतरीन कामों के पीछे प्रेरणा स्रोत रहे हैं डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन श्री जनार्दन रेड्डी। आपने इस किस्म की पहल की और सफलता भी पा रहे हैं, आपकी सफलता का राज क्या है? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इश्यूज, they are not attracting the attention of the people, including the municipal commissioner. Right. And nowhere in the country, municipal commissioners regularly visit this. To make them regularly visit, I felt ki whenever, in future, whenever I should inspect the municipalities, I will not conduct the meetings in the municipal office, but rather I would conduct meetings in the dumping yard. अक्सर लोग कहते हैं कि छोटे शहरों में ये मुमकिन है साफ सफाई, बड़े शहरों में ये करना बहुत मुश्किल है, आप इस बात से सहमत हैं? आपके क्या विचार हैं? एक्चुअली वारंगल कोई छोटा शहर नहीं है, ऑलमोस्ट 7 लाख उसकी पॉपुलेशन है, और मेरा ये मानना है कि कोई बड़ी सिटी भी है, मान लीजिए 70 लाख की पॉपुलेशन भी है, अगर उसमें 7 वारंगल क्रिएट कर दिए जाए तो वही कैन बी रेप्लिकेट। दोस्तों, ये दो ऐसे सरकारी अफसर हैं जो अपनी जगह पर बेहतरीन काम कर रहे हैं।